कूर्मता, पूर्व काल में जब मंदार पर्वत सागर के जल में डूब रहे थे तब प्रभु कूर्म ने ही उन्हें अपनी पृष्ठ का आधार प्रदान किया था। इसलिए अब भी पृथ्वी को इस महासागर में विलीन होने से वही बचा सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरदशानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं भी इसे नहीं रोक सकता, किंतु मैं वचन देता हूँ कि जब ये सब समाप्त होगा, प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की जय। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की, नारायण के कूर्म अवतार। वस्त्र निकल लिया इस सौदी कुर्म ने। विनाश रुक गया है स्वामी, आपकी समस्या का समाधान हो गया है स्वामी। आइए अब अपनी पुत्री को ढूंढते हैं। हमारी पुत्री, क्या हुआ? हमें उसे ढूंढने में विलंब नहीं करना चाहिए स्वामी। योद्धाओं में युद्ध कर रहा हूँ, उसे अधूरा छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। आज के बाद जो भी श्री गणेश का नाम लेकर आदि कुर्म की आराधना करे तो किसी भी प्रकार के जल संकट के प्रभाव तत्काल ही मुक्त हो जाए। इतना ही नहीं, जलाशय के निकट जाने या जल पर यात्रा करने पर उस प्राणी और उसके परिवार पर सदैव श्री गणेश के साथ प्रभु आदि कुर्म की कृपा सदैव बनी रही।
गणेश जी, अब ये कौन सा नवीन संकट आन पड़ा है? इतने बलशाली ये दो असुर कौन हैं जो माता के श्री रथों को भी उठा सकते हैं? मेरा ध्यान थोड़ा सा क्या भटका कि तुमने मेरा अर्णव अस्त्र विफल कर दिया, किंतु ये दोनों कदापि असफल नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें पहचान पाना ही नहीं, इन्हें पराजित करना भी असंभव है। जो तुमने किया है उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा भंडासुर। माता के श्रीरथ संकट में है। निशस्त्र खड़ी है माताओं की सेना। अनुज गणेश, कौन है ये दुस्साहसी असुर और इनके अंत का क्या उपाय है? तुम्हारे ये बताने पर ही माताएं अपने शस्त्र उठाएंगी। यही प्रश्न तो मेरे मस्तिष्क में भी गूंज रहा है, किंतु बिना इन असुरों को पहचाने इनके अंत का उपाय माता को बताना संभव नहीं। किसी की भी पहचान उसके हाव भाव और वेशभूषा से की जाती है। इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि ये पूर्व काल के कोई असुर सम्राट हैं। नहीं गणेश जी, इस बार आपका इन्हें पहचानना संभव नहीं। इसलिए गणेश जी, पराजय का मुख देखने के लिए तैयार हो जाइए। इनकी पराजय तो हमारे आगमन से ही निश्चित हो गई है भ्राता। युद्ध भूमि में अस्त्र विहीन खड़ी है ये देवी सेना। तो फिर इनका शीघ्र अंत कर अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं हम लोग। गणेश, शीघ्र पहचानिए कौन है और इनका अंत कैसे होगा? हार तुम्हारा ही संहार करेगा। बस इतने से ही मत प्रसन्न हो ये गजानन, इनके रण कौशल से देवियों का अंत तो होगा ही, आपके अचंभे की सीमा भी पार हो जाएगी। अंतिम चेतावनी है ये हमारी, अपने अस्त्र उठाओ और युद्ध करो हमसे, अन्यथा हमारे अस्त्र कुचल देंगे तुम्हारे। इतनी शीघ्रता क्या किसी को जाने बिना, युद्ध के लिए उसकी योग्यता पहचाने बिना उस पर प्रहार कैसे कर सकता है? इसीलिए पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर प्रहार के उत्तर की अपेक्षा कीजिए। उनके परिचय का गुप्त रहना तो उनके भावी विजय का प्रतीक है, उसे उन्हें किसी पर उजागर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं इन्हें अपना परिचय नहीं देने दूंगा। उचित है, शत्रु को तो अवश्य पता होना चाहिए कि सामने वाला योद्धा कौन है।
कहना, क्योंकि तुम्हारे परिचय का गुप्त रहना ही तुम्हारी शक्ति है। आप दोनों एकाएक शांत क्यों हो गए? तो दीजिए ना अपना परिचय, बताइए ना कौन है आप दोनों महायोद्धा। भंडासुर, 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 उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। आपके लिए एक ही नाम महत्वपूर्ण है, असुर महानायक भंडासुर, उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। ओह, तो आप दोनों महाबली असुर किसी अन्य असुर के अधीन हैं? ये कैसा दुर्भाग्य है आपका। मुझे तो लगा था आप अतीत की परछाइयों से अपने नाम पर लगे कलंक को मिटाने आए हैं। स्वयं सम्राट होकर क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि संपूर्ण संसार आपको आपके नाम से पहचाने, ना कि भंडासुर के सैनिकों के रूप में जाने? आप महाबली हैं, किंतु कहीं भीरू तो नहीं है जिन्हें अपना नाम बताने में भी डर लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ मत कहो तुम दोनों। माता पराशक्ति, श्री माता ललिता के श्री रथों को उठाने वाले महापराक्रमी असुर किसी अन्य के सेवक नहीं, महायोद्धा, महासम्राट हैं। ये जगत को ज्ञात होना ही चाहिए, इसलिए गुप्त मत रखिए, अपने नाम बता दीजिए। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो, इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना। बताइए ना, आप अपना नाम बताइए। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो, बताइए, इसीलिए अपना नाम मत बताना। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो कदापि मत बताना, तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो, इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना, कदापि मत बताना, तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो, इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना। आप हमारा परिचय चाहते हैं ना? आप हमारे नाम जानना चाहते हैं ना? तो हम अवश्य बताएंगे। आप हमारा परिचय चाहते हैं ना? किंतु युद्ध में विजय पाने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद, और हां, आप सभी का सर्वनाश करने के बाद जगत को अपना नाम भी बताएंगे हम। ओह, तो अभी बताने से भयभीत हैं आप? क्या इसीलिए कि कहीं आपकी पराजय हो गई तो आपके नाम पर एक और कलंक लग जाएगा? संसार आपको तुच्छ असुर मानेगा, जिन्हें एक नया अवसर भी मिला किंतु वो पुनः पराजित हो गए। सत्य है ना? पराजय के भय से ही अपना नाम नहीं बता रहे हैं ना आप? चतुर गणेशा। भय, भय नहीं है हमें किसी का, भय भी तो सब मुझसे थे। कंपित होती थी धरती हमारे भय से, अपने पास में बांधकर सभी को अंधकार सागर में जाने का सामर्थ्य था मुझ में।
कंपित होती थी धरती हमारे भय से, अपने पास में बांधकर सभी को अंधकार सागर में जाने का सामर्थ्य था मुझ में। मत कहो कुछ, शांत हो जाओ। भयभीत होकर समस्त जगत मेरी पूजा करता था, मंदिरों में नारायण के स्थान पर मेरी पूजा करता था, मुझे भाई किस बात का। समझ गया, आपका इतना ही परिचय पर्याप्त है विनयाक्ष और हिरण्यकश्यपु। शांताकारं भुजगशयनं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरदध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आप कहीं इन दोनों का भी अंत ना हो जाए। मेरा भी अंत नहीं कर सकेंगे आप इस बार। इस बार आप नहीं, मैं संहार करूंगा आपका। युद्ध के आरंभ में ही ये दुष्ट तो माया युद्ध लड़ना चाहता है। घाता हिरण्याक्ष की कैसी दुर्दशा हो गई है। अपने वारों से रोक लूंगा इनके प्रहार। तुम्हारी दुष्टता ही पुनः तुम्हारे अंत का कारण बनेगी मूर्ख। Come on.
राक्षस का भी अंत हो गया। हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लूंगा मैं। अंत तुम्हारी नियति है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु की छवि तो अभी भी मेरे महास्त्र पर प्रकाशित हो रही है। इसका मतलब हिरण्यकश्यप तो अभी भी जीवित है। मैंने कहा था ना, इस बार मेरा वध कोई भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं। हिरण्यकश्यप में जीवन भी है, साहस भी है और शक्ति भी। इसकी मृत्यु तो प्रभु नरसिंह के द्वारा ही हुई थी, फिर ये बच कैसे गया? न दिवस में न रात्रि में, न भीतर न बाहर, न आकाश में न पाताल में, न नर से न देव से, न मंत्र से न तंत्र से मेरे प्राण किसी से भी न जा सके। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। प्राप्त वरदान के अनुसार अभी इसके अंत के कारण उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी दो अवस्थाएं अभी शेष हैं। प्रथम न दिन में इसका वध हो सकता है और ना ही रात में,
और द्वितीय न ही भीतर न ही बाहर इसका अंत होगा। एक अवस्था तो गौदली वेला से पूरी हो जाएगी, यानी संध्या काल, किंतु दूसरी अवस्था के लिए यहाँ किसी द्वार की चौखट कहाँ है? आशावादी को हर एक कठिनाई में भी अवसर दिखता है। वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहता है, चाहे वो समय का हो या अन्य किसी परिस्थिति का। हमें जो करना है संध्या काल की समाप्ति से पहले करना होगा। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु की पहली परिस्थिति गोधुली वेला तो आरंभ हो गई है, परंतु उसकी मृत्यु की दूसरी परिस्थिति न भीतर न बाहर को पूर्ण कर पाना गणेश जी के लिए असंभव है। मैं प्रभु विश्वकर्मा का आवाहन करता हूँ। प्रणाम माता। कल्याण। विश्वकर्मा जी, मेरे आवाहन पर यहाँ पधारने के लिए आपका धन्यवाद। अब जो आवश्यक है वो करने की कृपा कीजिए। ये क्या स्वामी, गणेश जी ने तो द्वार के चौखट की व्यवस्था भी कर दी, किंतु गोधुली वेला समाप्त होने से पहले ये कार्य कदापि संपन्न नहीं होगा। अपने अंत के स्थान का निर्माण मत करने दो इन्हें। नहीं, ये मैं कदापि भी नहीं होने दूंगा। जाकर अपनी रक्षा का प्रयास कर लो। गोधुली बेला आरंभ हो चुकी है, द्वार के चौखट की रचना भी पूर्ण है। अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। चुकी है।
द्वार ये चौकट कदापा के नाम से प्रसिद्ध होगा, जहां श्री हरि नारायण पुनः अवतार लेंगे और कलयुग में इसी स्थान पर तिरुपति बालाजी के रूप में उनकी पूजा भी होगी और उनके निष्ठावान भक्तों को त्रिशक्ति प्रसाद अर्थात बल, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होगी। प्रभु नरसिंह की जय। प्रभु नरसिंह की जय। आप युद्ध में पराजित होकर अभी भी युद्ध में लगे हैं। हमारी पुत्री हमारी प्रतीक्षा में होगी। उसकी मधुर और स्नेह भरी वाणी सुनकर आप इतने आनंदित हो जाएंगे कि आप युद्ध तो क्या, सब कुछ भूलने पर विवश हो जाएंगे। चलिए ना स्वामी, हमें अपनी पुत्री को ढूंढना है। बस मुझे ज्ञात है, हमारी पुत्री भोली है, निर्दोष है और वो। तो क्या आप हमारी पुत्री से मिल चुके हैं? हमारी पुत्री सच में मीठी बातें बोलती है, इसलिए तो क्या स्वामी, बताइए ना असुर महानायक, इसलिए तो क्या? इसलिए तो मैं इस युद्ध को शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहता हूँ। हाँ, शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त कीजिए ना स्वामी। इसलिए मैं वो असुर को भेजूंगा जिसका वध ना पहले हुआ था और ना अब होगा। से मेरा परिचय नहीं पूछेंगे गणेश जी? आप तो स्वयं अपना परिचय देने के लिए उतावले हो रहे हैं और युद्ध भूमि में उतावलेपन का एक ही परिणाम है, भयंकर मृत्यु। ये आपका दुर्भाग्य है गणेश जी, मेरी यहाँ मृत्यु असंभव है क्योंकि मैं युद्ध कौशल में ही नहीं सभी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के साथ साथ रणनीति में भी पारंगत हूँ। बलिंद्र हूँ मैं कहाँ से आकर युद्ध करूंगा और कहाँ अदृश्य हो जाऊंगा, ये किसी को ज्ञात नहीं। और ये भी किसी को ज्ञात नहीं कि मैं किस शस्त्र से युद्ध आरंभ करूंगा और किस शस्त्र से उसका अंत करूंगा। इस दुष्ट ने अभी तक तो अपने मायावी अस्त्र के प्रभाव से असुरों को भेजा, किंतु इस बार महाराज बलि के तत्व से बलिंद्र उत्पन्न कर दिया। जो राजा बलि कभी पराजित नहीं हुए, उससे उत्पन्न बलिंद्र को कैसे हराया जा सकता है? आप कहिए गणेश जी, आप इस महायोद्धा बलिंद्र से युद्ध करने किसे भेज रहे हैं?
यदि बलि का तत्व यहाँ है तो प्रभु नारायण के वामन अवतार का भी यहाँ प्रकट होना अनिवार्य है। प्रत्यक्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि। प्रभु के वामन अवतार के दर्शन पाने का सुख तो हम सभी प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, वो ही बलिंद्र को वश में भी करेंगे। जिसके आगमन पर ये सभी हाथ जोड़े खड़े हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाजः। बलिंद्र के साथ ही कैसा उपहास किया है, एक साधारण बालक को भेज दिया जिसे पाठ करने के सिवाय कुछ नहीं आता होगा। ये करेगा मुझे पराजित, ये आपके असुर संकट में हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। स्वामी, गणेश जी को भली भांति ज्ञात है कि महाराज बलि को नारायण के वामन अवतार ने ही वश में किया था, उनके द्वारा बलिंद्र के वध की कोई चिंता नहीं है आपको? नहीं, वामन किसी का वध नहीं करेंगे क्योंकि वो एक योद्धा नहीं, एक संत के समान है। मंत्र शस्त्र नहीं बनते और संत योद्धा नहीं बनते, इसलिए इस बार तो मेरी ही विजय होगी। अनुज गणेश, प्रभु नारायण के वामन अवतार युद्ध नहीं करेंगे तो फिर इस असुर का वध कैसे संभव होगा? सावधान बालक, मुझसे युद्ध करोगे तो पछताने का अवसर भी नहीं मिलेगा। करते रहो वेद पाठ बालक, किंतु तुम्हारे ये लय बद्ध शब्दों के उच्चारण महाविशाल, अत्यंत कुशल और भयंकर बलिंद्र के गुणों की लय बद्ध शब्दों को नहीं संभाल सकेगा। भयभीत हो मुझसे बालक, भयभीत, अन्यथा युद्ध के पूर्व ही मेरे पांव के भार से अपने प्राण खो दोगे। नहीं, बलिंद्र के बल पर कोई भी भारी नहीं पड़ सकता। महादानी असुर सम्राट बलि को अपने दान के अहंकार से बाहर निकालने के लिए प्रभु नारायण ने वामन अवतार लेकर उससे तीन पग धरती दान में मांगी एवं त्रिविक्रम रूप धारण कर पहले पग में संपूर्ण धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तब तीसरा पग रखने के लिए प्रभु वामन के समक्ष सम्राट बलि ने अपना मस्तक बढ़ा दिया और उनके शरणागत हो गया। प्रभु वामन ने पुनः त्रिविक्रम रूप धारण कर इसके सिर पर अपना पग बढ़ा दिया है। अब बलिंद्र शरणागत हो गया तो इसकी रक्षा होगी, अन्यथा इसका अंत निश्चित है। मैं बलिंद्र को कुछ नहीं होने दूंगा। नारायण 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 नाराय
तेरे अस्त्र मुड़ते क्यों जा रहे हैं? मैं धरती में प्रवेश कर ही स्वयं को सुरक्षित कर लूंगा। ये कैसी माया है, मैं तो धरती के भीतर भी नहीं जा पा रहा। वेद मंत्र को तुमने तुच्छ समझने की बहुत बड़ी भूल कर दी। वेद मंत्र ज्ञान के ही नहीं अभी तो अपार शक्ति के भी स्रोत है। इनके मंत्र को पाठ करने वाला चाहे किसी भी आकार का हो, उसका अंतर्मन उसकी आत्मा ब्रह्मांड के सम्मान विशाल हो जाती है और वो अपने आत्मबल से किसी को भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हो, मैं अजय हूँ, राजा बलि के तत्व से उत्पन्न हुआ हूँ, जिसका कभी वध नहीं हुआ था, इसलिए मेरा भी वध नहीं हो सकता, तुम भी मेरा वध नहीं कर सकते। हाँ, सत्य कहा तुमने, अशोक सम्राट बलि का वध नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पाँव के स्पर्श मात्र से उन्होंने अपने भीतर के असुरी प्रवृत्ति और अहंकार को त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, स्वयं को समर्पित कर दिया। यदि कोई भी अपने अहंकार का त्याग कर पूर्ण समर्पण भाव से शरणागत होता है तो क्षमा का पात्र बन जाता है। यदि तुम्हें भी बलि के सम्मान क्षमादान चाहिए तो शरणागत हो जाओ, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अपने झूठे शब्दों से मुझे भयभीत नहीं कर सकते तुम। मैं असुर महानायक भंडासुर के शरण में हूँ, तो तुम्हारे जैसे एक संत और तपस्वी की शरण में क्यों आऊं, जो ना युद्ध करेंगे और ना ही मेरा वध। किंतु श्री माता ललिता तो तुम्हारा वध कर सकती हैं। कर सकती ही नहीं, माता तुम्हारा वध अवश्य करेंगी, क्योंकि असुर सम्राट बलि के विपरीत तुमने धर्म पथ को स्वीकार कर प्रभु वामन की शरण में जाने से अस्वीकार कर दिया, इसलिए अब तुम्हारे सामने एक विनाश का ही पथ शेष है बलिंद्र। इसलिए अब माता के महाकाया और महोत्साह स्वरूप तुम्हें तुम्हारी नेति से भेंट करवाएंगे बलिंद्र। हमारे अस्त्र मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। मेरा एक अस्त्र नष्ट किया है तुमने, किंतु पुनः प्रहार करूंगा मैं। रत्नपीठे शुक कलपटितम्
शर्वंतिम श्याम लांगड़ी। ये दुष्ट तो माया युद्ध लड़ना चाहता है। अब तुम देख भी नहीं सकोगी और मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। उसका वध कैसे संभव है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता। प्रभु वामन की जय, माता महाकाया की जय, माता महोत्साहा की जय, माता महाकाया की जय, माता महोत्साहा की जय। अतीत से जिसकी अंत का कोई सूत्र नहीं जुड़ा, उसका वध कैसे हो गया? कदाचित आप अपनी पराजय में जय को ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए ना कि आप पराजित हो चुके हैं। बस, ना पराजित हुआ हूँ और ना होऊंगा। घृणा है मुझे पराजय शब्द से। पराजय कभी मत कहना मेरे सामने। विजय के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? ये आसुरी अस्त्र पाया, वो भी किस मूल्य पर, जिसकी तुम क्या कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। एक बात क्या करना पड़ा है मुझे, ऐसा कौन सा मूल्य दिया है, कौन सा महात्याग किया है आपने? इसके सामने मैं क्या कह गया? ये रक्त पुनः कैसे उभर आया मेरे हाथों पर? यदि ये महाअस्त्र मेरी विजय के लिए इतना महत्वपूर्ण ना होता तो आज मेरी पुत्री मेरे साथ होती। ओम गणगण पते नमः, गणगण पते नमः, ओम गणगण पते नमः, ओम गणगण पते नमः। उस महात्याग से आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया स्वामी। ये मिला है मुझे एक ऐसा अस्त्र जिससे मैं अतीत में मृत असुरों को पुनर्जीवित कर उन्हें अपने लिए युद्ध करवा सकता हूँ। यही तो फल है मेरी उस महात्याग का। मेरे वो सभी असुर एक एक कर पराजित होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई। ओम गणगण पते नमः, ओम गणगण पते नमः। मुझे विश्वास है मेरे त्याग में कुछ कहीं अवश्य छूट गया है मुझसे। ओम गणगण पते नमः, ओम गणगण पते नमः। इसलिए मुझे असफलता का मुख देखना पड़ रहा है।
मैं भी वचन देता हूँ कि मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। और अपने वचन का मान रखा गणेश जी, आपने मेरी रक्षा की प्रभु। लक्ष्मी प्रभा, प्रभु गणेश जी।